हेलो फ्रेंड, मैं आज रिले के बारे में ये बतलाना चाह रहा हूँ कि इसका आंतरिक कार्य कैसे होता है, यानी रिले फंक्शन कैसे करता है। इसके लिए मैंने एक रिले रखा है यहाँ और इस रिले को मैं खोल रहा हूँ। खोलने के पहले मैं थोड़ा बतला दूँ कि रिले में एक पोल होता है, एक नॉर्मली ओपन होता है और एक नॉर्मली क्लोज्ड होता है। वस्तुतः यह एक तरह का स्विच का ही काम करता है, लेकिन ये सप्लाई के द्वारा एनर्जाइज होता है इसका कॉइल, और ये स्विचिंग का काम भी करता है। मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बतलाऊँ। ये रिले का पोल है और इस पोल का कनेक्शन यहाँ किया हुआ है। मुख्यतः रिले में दो भाग होता है, एक मैकेनिकल और दूसरा इलेक्ट्रिकल। ये जो है एक कॉइल है और इस कॉइल का लूप एक यहाँ और दूसरा यहाँ है, जिसे इस सिरे पर कनेक्शन किया गया है। जब इसमें हम पावर सप्लाई देते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो ये जो है मैग्नेट के साथ कनेक्ट होकर स्विचिंग का काम करता है। हम आगे दिखलाना चाहेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, और इसे मैंने फिर दोबारा लगा दिया। इस स्प्रिंग के टेंशन से ये हर हमेशा एनसी के साथ जुड़ा होता है, नॉर्मल क्लोज्ड होता है। अब मैं इसमें सप्लाई दे रहा हूं और ये किस तरह से फंक्शन करता है उसके बारे में आपको दिखा रहा हूं। इस रिले के मैंने एनसी पर ये ग्रीन एलईडी डाला है और एनओ पर रेड एलईडी मैंने डाला है, और ये जो एलईडी मैंने डाला है, जो इसके कॉइल पर मैंने सप्लाई दिया है, उसको इंडिकेट करने के लिए लगाया है। यानी कि जब ये कॉइल के अंदर हम सप्लाई देते हैं तो ये स्विच जो है, स्विच जैसे हम इसमें सप्लाई देंगे तो कॉइल एनर्जाइज होगा और ये एनओ के साथ जुड़ जाएगा। अब मैंने इसमें सप्लाई दिया है तो एक कॉइल जो है अब एनर्जाइज हुआ, और ये जो कॉन्टेक्ट है एनओ के साथ कनेक्ट हुआ, और ये जो रेड एलईडी है ये जल उठा। और जैसे हम सप्लाई हटाते हैं तो फिर ये एनसी के साथ कनेक्ट में आ जाता है। दोस्तों, अगला जो मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ यूट्यूब पे, वो ऑटोमेटिक चेंजर का है और जो रिले के माध्यम से ही बनेगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।